तो आपकी सरकार है और पीएफआई की तुलना कर रहे हैं आरएसएस के साथ, आरएसएस से किसी का वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन उसकी देशभक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। बिहार भी बल्कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इस संगठन का आतंक और खौफ बहुत ज़्यादा है। लालू यादव हों, बलियावी जी हों, शिवानंद तिवारी हों या दिग्विजय सिंह हों, ये सब लोग पीएफआई के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं उसकी, और पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस कोई आतंकी संगठन नहीं है, प्रतिबंध लगाकर दिखाते हैं। यहाँ तो आपकी सरकार है और पीएफआई की तुलना कर रहे हैं आरएसएस के साथ, आरएसएस से किसी का वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन उसकी देशभक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता है। और ये पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसके सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के जो आतंकवादी संगठन है उसके साथ इनके संबंध है। एक वर्ग विशेष के नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, देश के खिलाफ भड़काना, हिंसा पर उतारू होना और विशेष करके केवल बिहार नहीं बल्कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इस संगठन का आतंक और खौफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, वो चाहे ललन सिंह हों, लालू यादव हों, बलियावी जी हों, शिवानंद तिवारी हों या दिग्विजय सिंह हों, ये सब लोग पीएफआई के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं उसकी, और पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस कोई आतंकी संगठन नहीं है, तो आज तक कभी भी उस पर हथियारों की ट्रेनिंग देना, विदेशों से धन संग्रह करना, इस प्रकार का कभी आरोप नहीं लगा। लेकिन शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, यह भी प्रतिरोध करने का एक तरीका है, और तमाम नेता जो हैं वो पीएफआई की तुलना कर रहे हैं आरएसएस की, और ये वही पीएफआई है जिसको कांग्रेस ने कर्नाटक में प्रश्रय देने का काम किया। 2013 से 17 के बीच में लगभग 160 एफआईआर, जिसमें पीएफआई के करीब 1600 लोग शामिल थे, उनके केस को विड्रॉ कर लिया गया। तो यह एक तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए देश के तमाम प्रमुख दल, महागठबंधन के नेता और ये पीएफआई के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। पटना के अंदर जब छापामारी हुई फुलवारी में, जो 7 पेज का डॉक्यूमेंट पकड़ा गया, उसमें इस बात का उल्लेख है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र में परिणत कर देना है। अब बिहार सरकार नहीं चाहती थी कि ये जांच एनआईए को सौंपी जाए, तो मजबूरी में एनआईए को जांच सौंपना पड़ा है। तो देशहित के मामले पर आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी दलों को मिलकर आतंक के खिलाफ और लड़ना चाहिए। और इसलिए लालू यादव का जो बयान आया, बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। फिर मैंने ये भी देखा कि वो 14वीं बार या 15वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये बार बार नाटक करने की जरूरत क्या है? एक ही बार लिख दे संविधान में कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो। ये पार्टियां परिवार के बाहर नहीं निकल सकती, कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बन जाए लेकिन नियंत्रण परिवार के पास रहेगा, पार्टी परिवार के पास रहेगी। एक मुखौटा चाहिए इनको, एक दिखाने के लिए इनको चाहिए पॉकेट का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, और अब तो सोनिया गांधी की सत्ता को भी कांग्रेस में चुनौती मिलनी प्रारंभ हुई। तो जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो पर निकले, भारत तो जुड़ा हुआ पहले से, अपनी पार्टी को जोड़िए कम से कम, ये तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। इसलिए जिन लोगों का की सरकार 2 राज्य तक सिमट गई और तो छत्तीसगढ़ में भी विवाद प्रारंभ हो गया, तो ऐसे लोग नरेंद्र मोदी का 2024 में मुकाबला नहीं कर पाएंगे।